हेलो दोस्तों, मैं भावेश आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन इंडिया पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम मैथमेटिक्स सीसेट मैथमेटिक्स की बात कर रहे थे और जिसमें हमने मैथमेटिक्स को पूरे मैथमेटिक्स को चार यूनिट में डिवाइड किया था और हमने आपसे वादा किया था कि हम चारों की चारों यूनिटों को प्रति चैप्टर वाइज हम क्या करेंगे, बात करेंगे उस पर। और पहली यूनिट का पहला ही चैप्टर है दोस्तों परसेंटेज, उस पर आज हम बात करेंगे। और परसेंटेज में हम जो व्यवहारिक चीज़ें हैं जिससे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हों उस पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मैं परसेंटेज में आपको कोई फॉर्मूला याद करने के लिए नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं पहले से ही आपसे वादा कर चुका हूँ कि मैं एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ, ना कि दोस्तों आपको कोई भी फैक्चुअल चीज़, ठीक है। तो मैं आपके ही कॉमन सेंस के द्वारा, आपके ही समान बुद्धि के द्वारा हर चीज़ को सॉल्व करना दोस्तों सिखाऊंगा। तो चलो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं परसेंटेज में, ठीक है दोस्तों। तो उस पर सबसे पहले बात करने के लिए दोस्तों हम बात करेंगे कि सपोज करो मैं बात करता हूँ 1/2, ठीक है दोस्तों। मैं बात करता हूँ 1/2, तो 1/2 का दोस्तों क्या मतलब है कि नीचे वाली जो संख्या है इसे दोस्तों बोलते हैं टोटल। और टोटल का मतलब क्या है कि दोस्तों कोई भी संख्या है, ये अपने आप में पूर्ण संख्या है। और इस पूर्ण संख्या में से दोस्तों आपका शेयर कितना है, दोस्तों आपका शेयर कितना है, तो आपका शेयर दोस्तों है 1, आपका शेयर दोस्तों क्या है 1। इसी प्रकार से दोस्तों मैं 3/4 की बात करूं तो 4 में से 3 इसका मतलब हुआ दोस्तों ये टोटल भाग है और इस टोटल में से दोस्तों आपका कितना, आपका शेयर कितना है, तो आपका शेयर दोस्तों कितना है 3। इसी प्रकार से दोस्तों मैं बात करूं 7/9, तो 7/9 का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि 9 भाग था, सॉरी ये टोटल था, इस टोटल में से आपका शेयर कितना है 7, ठीक है 7/9। इसी प्रकार से दोस्तों मैं बात करूं x/100, तो दोस्तों 100 में से आपका कितना भाग है, आपका कितना शेयर है, ये दोस्तों आपका कितना शेयर है और ये दोस्तों क्या है, ये अपने आप में क्या है टोटल। तो दोस्तों हम बात करेंगे कि 100 में से आपका कितना है। जैसे कि दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि यदि आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं और वो एग्जाम में सबसे पहले आपको बताया जाता है कि ये 200 नंबर का एग्जाम है, या सपोज करो कि हाई स्कूल का कोई एग्जाम है और हाई स्कूल में दोस्तों आपको पता ही है कि 600 नंबर दिए जाते हैं, ठीक है। तो 600 नंबर में से दोस्तों जो आपके नंबर आते हैं वो क्या होता है आपका शेयर। जैसे कि मैं बात करूं, सपोज करो दोस्तों 600 नंबर का क्या था हाई स्कूल में, 600 नंबर में से सपोज करो दोस्तों आपके 404 नंबर आए, तो इसका मतलब यही दोस्तों यही हुआ ना कि एक एग्जाम था और इस एग्जाम का टोटल मार्क इतना था और इस टोटल मार्क में से दोस्तों आपके कितना मिला, ये इसी में से दोस्तों इसी में से ही दोस्तों फिर क्या निकलता है, परसेंटेज निकलता है, ठीक है। मैं अगर दोस्तों आपसे बात करूं कि परसेंटेज जिसे, ठीक है दोस्तों परसेंटेज, और दोस्तों परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता, ठीक है, और इसका सिंबल दोस्तों होता है ये परसेंटेज। और हम दोस्तों आपसे बता दें कि ये जो परसेंटेज होती है, इस परसेंटेज को जब हम किसी भी क्वांटिटी में या किसी भी वैल्यू में जब कन्वर्ट करते हो तो दोस्तों ये परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों 100 से भाग देते हैं, क्या करते हैं दोस्तों 100 से भाग दे देते हैं। यदि हम इसे ही दोस्तों हम देखें, इसे मैं नीचे 1 मान लूं और इसको मैं क्या करूं दोस्तों मल्टीप्लीकेशन करूं, तो दोस्तों 100% जो होती है, इस 100% को जब आप दोस्तों कन्वर्ट करोगे तो किसके बराबर आएगी 1 की, क्योंकि 100% को हटाने के लिए क्या करोगे दोस्तों 100 से भाग दोगे, 100 से भाग दोगे 100 कट गया, इसका मतलब क्या 100% का क्या मतलब दोस्तों पूरा का पूरा अपना 1 हुआ, ठीक है। यहां तक दोस्तों आप जल्दी सुधार लीजिए और हम आगे बात करते हैं। 1/2 की बात की, 3/4 की बात की, 7/9 की बात करी, फिर x/100 की बात करी। अब इसे ही आप देख लीजिए दोस्तों x/100 का क्या मतलब है, क्योंकि जब हम किसी भी संख्या में 100 से भाग देते हैं उसका क्या मतलब होता है कि हम परसेंटेज की बात करते हैं, तो ये दोस्तों क्या x परसेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम दोस्तों आगे बात करते हैं, आपने उतार लिया होगा। नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि 20% कोई भी संख्या दोस्तों 20% है
और इस 20% का दोस्तों क्या होता है, मतलब कि मैं आपसे बोलूं कि आप परसेंटेज हटाने के लिए दोस्तों क्या करोगे, 100 से भाग, आप क्या कर दोगे 100 से भाग। अब 100 से भाग करोगे दोस्तों आप क्या करोगे, 0 से 0 कटेंगे, तो 0 से 0 आप काटोगे तो ये दोस्तों 2/10, मतलब ये कितना हो जाएगा 1/5। 0 से 0 कट गई 2/10, फिर 2 से 5 बार काट दो दोस्तों, ठीक है। उसके बाद मैं दोस्तों आपसे बात करूं 1/5, तो मैं आपसे बोल दूं कि ये जो 5 जो आया है वो दोस्तों किसके बदले आया है, 100 के बदले आया है ना। ये यहां जो 5 आया है वो किसके रिप्लेसमेंट, किसके बदले आया है, 100 के बदले आया है। वही दोस्तों मैं बात करूं जो 1 आया है वो 1 किसके रिप्लेसमेंट पे है, 20 के रिप्लेसमेंट पे है। तो मैं आपसे बात करूं कि ये जो नीचे वाली जो संख्या होती है ये अपने आप में क्या है दोस्तों, टोटल, ये अपने आप में टोटल है। और कोई भी टोटल संख्या जो होती है वो अपने आप में क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है, जो अपने आप में क्या है दोस्तों 100% है। तो जो दोस्तों 5 है वो 100 के रिप्लेस पे आया है, जब 100 के रिप्लेस पे आया है तो दोस्तों अपने आप में 100% है, पूर्ण संख्या है। इसी प्रकार से दोस्तों जो जो 1 है वो किसके रिप्लेस पे आया है, 1 के रिप्लेस पे आया है, सॉरी ये जो 1 है वो किसके रिप्लेस पे आया दोस्तों, 20 के रिप्लेस पे आया। इसका मतलब क्या है, 1 है वो अपने आप में कितना, 20 है। तो इसका मतलब यही हुआ ना दोस्तों, यदि 5 अपने आप में 100% है और इसी 100% का दोस्तों 1 जो भाग है, ये जो 1 है दोस्तों अपने आप में कितना है, 20% है। तो मैं आपसे बात करूं कि 5 जो दोस्तों है वो 5 का 20%, 5 का 20% अपने आप में कितना है दोस्तों, 5 का 20% 0 से 0 काट दोगे, 5 × 10 तो 1। यही दोस्तों हुआ ना कि यदि 5 अपने आप में 100% है और इसी 100% का जो 1 है वो क्या है दोस्तों, अपने आप में 20% है। जब मैं आपसे दोस्तों बात करूं कि यदि कोई भी संख्या 20%, किसी भी संख्या में 20% का इंक्रीमेंट हो रहा है या 20% बढ़ रही है, तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों कि 100 पे कितना बढ़ रहा है, 20% बढ़ रहा है। इसी प्रकार से बोल दूं 5 पे कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, क्योंकि 1 अपने आप में क्या है, 20% है, जब 5 अपने आप में क्या है, टोटल संख्या है, तो ठीक है। वही अगर दोस्तों मैं बात करूं 30%, ठीक है, 30% को 100 करोगे 30 बटा 100 के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा आपको, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये दोस्तों 3 बटा कितना आ गया, 10। यही मैं बात करूं दोस्तों, ये अपने आप में क्या है, टोटल है, ये अपने आप में क्या है, टोटल है, टोटल मतलब 100% है। और इसी 100% का दोस्तों जो 3 है वो क्या है, 30%। यही चीज है ना, यदि मैं बात करूं यहां पर दोस्तों, यदि कोई भी संख्या 30% क्या हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है संख्या, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 100 पे 30 बढ़ रही है। अगर मैं बात करूं 100 पे 30 बढ़ रही है और 100 के रिप्लेस से क्या आया, 10 आया, और 30 के रिप्लेस से दोस्तों क्या आया, 3 आया। तो ये दोस्तों जब मैं 30 का रिप्लेस, जब 30 का इंक्रीमेंट होगा तो इसका क्या मतलब हुआ दोस्तों, 10 पे कितने का इंक्रीमेंट हो रहा है, 13, 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है ना, यही चीज है ना। तो ये जो अपने आप में 100% है और इसी 100% का दोस्तों जो 3 है वो क्या है, 30% है, ठीक है। यहां तक समझ में आ रही होगी आप सभी को। यदि मैं दोस्तों बात कर लूं 40% ले लेता हूं, तो 40% दोस्तों 40/100, तो 40/100 मतलब 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, तो जो दोस्तों ये बच गया 4/10, और 4/10 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 2/5 का क्या मतलब है दोस्तों, ये जो 5 आया हुआ है ये 5 किसके रिप्लेस पे आया हुआ है, 100 के रिप्लेस पे, तो ये अपने आप में क्या है दोस्तों, 100% है। और ये जो 2 जो 2 जो आया है वो दोस्तों 40% के रिप्लेसमेंट पे आया, तो ये 2 अपने आप में क्या, 40% है। जब ये दोस्तों अपने आप में पूर्ण संख्या है, ये दोस्तों अपने आप में टोटल है, और टोटल मतलब 100% है, और इसी 100% का दोस्तों, इसी 100% का ये जो 2 है ये क्या है, 20%, ठीक है। यहां तक आपकी समझ में आ गया होगा। और इस चीज को मैं दोस्तों, ये एक प्रकार से टूल्स है, और इस टूल्स को आप दोस्तों क्या करोगे, आगे चल के परसेंटेज में यूज करोगे और सारे के सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। दोस्तों मैं आगे जाकर के आपको यूपीएससी, यूपीपीसीएस और अदर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और आप हाथ ही हाथ क्या करेंगे दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिए, 20%, 30%, ठीक है, उतार लिया होगा, आगे बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, मैं डाल दूं। अब दोस्तों हम सम्मिश्र संख्या की बात कर लेते हैं, ठीक है, मिश्र गुण, ठीक है। तो अब हम बात करें 16 सही 2/3%। तो दोस्तों ये जो आती है वैल्यू 16 सही 2/3%, इस चीज को कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। तो मैं कुछ नहीं है इसमें दोस्तों, डरने की बात नहीं है इसमें, तो आप क्या करोगे,
इसमें दोस्तों आप क्या करोगे कि ये जो दो संख्या है दोस्तों, इसका क्या करोगे, 3 का 16 का गुणा और जो ऊपर जो होती है उसको क्या कर देते हो दोस्तों, जोड़ देते हैं। जैसे मैंने क्या किया, 16 में गुणा किया 3 का, 16 3 48 और प्लस जो ऊपर जो संख्या होती है उसको क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं, और जो नीचे जो संख्या होती है इसे यों का तो रख देते हैं, ठीक है। तो 16 3 48 48 और 2 कितने होते हैं 50 और भाई 3, इसका मतलब हो गया दोस्तों 50/3। तो मैं दोस्तों आपसे बात ले रही 3 + 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, ये 50/3 है और ये अभी दोस्तों क्या है, परसेंटेज है ना, यहाँ पे ये क्या है, परसेंटेज। और इस परसेंटेज को हटाने के लिए हमने क्या बोला था कि आप 100 से क्या करोगे, भाग दे दोगे 1/100, इसे काटोगे 0 कट गया, इसे काटो 5 × 10, तो दोस्तों ये कितना आ गया 1/6। कितनी संख्या आएगी दोस्तों, 1/6। यहाँ पे दोस्तों ये 6 आई हुई है, वो 6 जो है दोस्तों वो किसके रिप्लेस में आया हुआ है, 100 के रिप्लेस में। तो ये अपने आप में क्या है दोस्तों, टोटल संख्या है, 6 के अपने आप में टोटल संख्या है, 100% है। और दोस्तों इसी 100% का जो 1 है, इसी 100% का दोस्तों जो 1 है वो अपने आप में, दोस्तों कितना है, 16 सही 2/3% अपने आप में दोस्तों कितना है, 16 सही 2/3% है। तो नेक्स्ट इसी के आगे मैं बात करूं कि 12 सही 1/2%, 12 सही 1/2% का दोस्तों मतलब हुआ कि 12, आप क्या करोगे यहां से इसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे और उसके बाद से दोस्तों क्या करते होगे, जोड़ दोगे। तो 12 × 24 प्लस 1 ऊपर जोड़ देंगे, नीचे जो संख्या है वो कर देंगे, और अभी दोस्तों परसेंटेज में ही है, तो 12 × 24 और 25/2 गुणी परसेंटेज का क्या मतलब है, 100 से भाग दे दो हटाने के लिए, तो 25 × 4 = 100, इसका मतलब दोस्तों 1/8 है। 1/8 का क्या मतलब हुआ दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 1/8 है, ये जो 8 आया हुआ किसके बदले है दोस्तों, किसके बदले है ये दोस्तों, 100 के बदले है, मतलब अपने आप में कितना टोटल है, 100% संख्या अपने आप में। और ये दोस्तों 1 जो आया है वो 1 किसके रिप्लेस पे आया है, 12 सही 1/2% के रिप्लेस पे आया हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब 8 अपने आप में पूर्ण संख्या है, अपने आप में 100% संख्या है, इसी 100% का दोस्तों 1 जो है वो 1 दोस्तों 12 सही 1/2%, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो दोस्तों मेरे को बताइए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे दोस्तों जैसे मैं कोई भी ले लूं, जैसे 14 सही 2/3%, 14 सही 2/3, ठीक है दोस्तों, 14 सही 2/3 या 14 या 7 कर लो, 14 सही 2/7 है, ठीक है। 14 सही 2/7% का दोस्तों क्या मतलब हुआ कि आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे तो 14 × 7 मुझे पता लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, +2/7, तो 14 × 7 = 18 पर दो दोस्तों कितने होते हैं 100, तो 100/7 ये दोस्तों एक परसेंटेज है, और परसेंटेज को हटाने के लिए दोस्तों आप क्या करोगे, 100 से भाग दे दोगे 1/100/7, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया तो 1/7 बचा दोस्तों। ये जो 7 है ये अपने आप में क्या है, टोटल है, और टोटल का मतलब ये अपने 100 के रिप्लेस में आया हुआ है, तो ये अपने आप में 100% है, और इसी और ये 100% है। और दोस्तों 1 जो आया है वो किसके रिप्लेस में आया है, 14 से 2/7% के रिप्लेस में आया हुआ है ना, ठीक है ना। तो ये जो 1 है अपने आप में दोस्तों कितना है, 14 सही 2/7%। यहां तक मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी दोस्तों, इसे जल्दी से उतार लीजिए और हम आगे बात करेंगे, इस चीज को हम दोस्तों क्वेश्चन में यूज करेंगे, जल्दी से उतारिए। ये दोस्तों आपको ये जो कहानी है, ये आपको कहानी समझ में आ रही होगी कि कोई भी संख्या है, ठीक है दोस्तों, और वो 100% है अपने आप में, और उसी जैसे हम बात करें दोस्तों 14 से 2/7% है, तो इसमें बात करेंगे कोई संख्या अपने आप में क्या 100% है, ये जो 100% है इसी 100% में से 14 से 2/7% किसी ना किसी का शेयर होगा ना, क्योंकि टोटल संख्या अपने आप में 100% होती है, उसी 100% में से कितना है 14 सही 2/7%, हम इसी की बात कर रहे हैं, आप बता दीजिए, ठीक है। तो हमें डाल देते हैं दोस्तों, आपने यहां तक जो चीजें देखी अब तक आपने यही सीखा कि हम बात कर रहे थे कि यदि कोई भी टोटल संख्या है उस टोटल संख्या में से दोस्तों आपका कितना शेयर है, ठीक है। यहां तक आपने चीजें सॉल्व की, और दो चार चीजें और सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि
62 सही 1/2%। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा लगता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, अब इस पर हम बात कर लेते हैं। 116 सही 2/3%। आप इस दोस्तों आप ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करोगे? या 512 सही 2/3%, ठीक है, या सॉरी 1/2%। ठीक है, पहला ये, दूसरा, और हम इसी में दोस्तों तीसरे की बात कर लें। 316 सही और 512 सही, 512 सही तो कर ही दिया 2/3%। और ठीक है, इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 116 सही 2/3%, 512 सही 1/2%, 316 सही 2/3%। दोस्तों ये तो काफी बड़ी संख्या आ गई है, इसको सॉल्व करने के लिए आपको ज्यादा कैलकुलेशन की जरूरत करनी पड़ेगी। मैं बोलूंगा नहीं, आप दोस्तों क्या करोगे, इसे आप कैसे लिख सकते हो कि 100 + 16 सही 2/3%, ऐसे लिख सकते हो ना, 100% + 16 सही 2/3%। अभी आपने सॉल्व किया कि 16 सही 2/3% की आपके पास वैल्यू बताई है कितनी होती है, आप उसे पुट कीजिए या दोबारा से सॉल्व कर लीजिए। तो 100% दोस्तों क्या हुआ, 100% को हटाने, मैंने क्या बोला था, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग कर दीजिए। मैं बिल्कुल आपको हटाने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सीधा सॉल्व कर लीजिए। प्लस 16 थी दोस्तों, 16 थी 48 और 2 50/3, और 50/3 गुणी 1/100, 50 से 100 काट दोगे, दो बार कट गए तो 1/6 होती है इसकी वैल्यू, तो 1/6, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया दोस्तों, 1 + 1/6, 6 × 6 = 7, 7/6। ये दोस्तों कितनी आ गई, 6 × 6 = 7/6, तो 7/6। ठीक है, इसी प्रकार से दोस्तों, इसी प्रकार से आप 512 को सॉल्व करोगे तो आपको कुछ नहीं करना है, 12 से 1/2% आपको पता ही है। तो आप क्या करोगे, ये 500, ये 500 कर लोगे इसे, और 500% होता है, ठीक है, 500% प्लस के 12 सही 1/2%, ऐसे ले सकते हो ना, 500 + 12 से 1/2% कितना हो गया, 512 से 1/2%। इसे दोस्तों सॉल्व कीजिएगा, तो इसे सॉल्व करोगे तो 5 + 12 से 1/2% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, 12 × 24 है 25/2, और गुणी 1/100, 25 × 4 मतलब दोस्तों 1/8, और इसे आप सॉल्व करोगे 8/5 = 41/8, यही हुआ ना। ठीक है, 316 सही 2/3% को आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 316 सही 2/3% को सॉल्व करोगे तो दोस्तों 3 × 300 हो गया 3, और 16 सही 2/3% की दोस्तों वैल्यू कितनी होती है, इसे सॉल्व करोगे 16 × 3 = 48 तो 50/3, और परसेंटेज को डालने के लिए 1/100 से भाग दोगे तो 5 × 10 तो दोस्तों 1/6 कितना हुआ, 1/6, 1/6, और दोस्तों सॉल्व करोगे तो 6 × 3 = 18 = 19/6 कितना होगा, 19/6। तो दोस्तों इस चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, कि आप क्या करोगे कि इस छोटी वैल्यू को पहले सॉल्व कीजिए और उसके बाद एक जोड़ दीजिए, 12 से 1/2 की आपको पता ही है वैल्यू कितनी होती है, 1/8 + 5 कर दीजिए, 16 से 2/3 की आपको वैल्यू पता ही है, +3 से जोड़ के निकाल दीजिए 19/6। ठीक है, जल्दी से आप इसे उतार लीजिए और आगे हम बात करते हैं और चीजों के बारे में। घर पे जाकर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं 2-4 सवालों की, जैसे मैं बोल दूं 514 सही 2/7%, 514 सही 2/7%, इसे मेरे को सॉल्व करके आप बताना। ठीक है, आप कर लेना इसको सॉल्व। ठीक है, जल्दी कीजिए। अब तक दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि ये चीजें जो हो रही हैं वो इसका मतलब क्या है, ये क्यों हो रही है चीजें। ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं ये क्यों हो रही हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये किस लिए हो रही है। जैसे कि मैं दोस्तों बात करूं कि अ नंबर इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, कि कोई भी संख्या है, किसी संख्या को, जैसे किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन कि किसी संख्या को 20% क्या कर दिया जाए दोस्तों, बढ़ा दिया जाए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप पहले क्या करते थे,
कि सब जब भी कोई बात बढ़ाने की बात हुआ करती थी, इंक्रीज की बात हुआ करती, तो आप सबसे पहले क्या सोचते थे कि 100 होगा और 100 में दोस्तों कितना आपने बढ़ा दिया। ऐसे तो करते थे कि पहले 100 था और 100 पे कितना हो गया, 20 बढ़ दिया। कितना परसेंट बढ़ा दोस्तों? 20%। तो 100 का कितना हो गया? 120 हो गया। और इसीलिए आप क्या करते दोस्तों, 100 कर लिया करते थे। तो ये 5 चौक सॉरी 20 बनना 100 और ये 20 इक्के 120 25 चौक सॉरी 25 चौका 100 और नहीं 5 दूनी 10 सॉरी इसे दोस्तों काटिए, 0 से 0 कैंसिल आओ और 2 से इसे काटा होगा, 2 पन्ना 10 और 2 छक्के 12 5 रेशियो 6। पहले संख्या 5 की और कितनी हो गई 6, ऐसे सॉल्व कर देते। तो मैं दोस्तों आपसे बात करूँ कि ये जो आप यहाँ पे जो दिमाग लगा रहे हो वो आपका जो दिमाग है, ये जो आपने जो सॉल्व किया इस तरह से, वो हो सकता है कि आगे मैं कोई प्रॉब्लम आपको दूँ वो प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। जैसे मैं बात करूँ पहली प्रॉब्लम कि यदि किसी संख्या को 20% बढ़ा दिया जाए, अब यहाँ पे 20% बढ़ाने की बजाय वो 12 सही 1/2% दोस्तों क्या कर दे, कम कर दे, या यही बोल दे इस 20% की जगह पे ही दोस्तों कि यदि 16 सही या क्या कर दो, कुछ भी कर दो, 16 सही 2/3% दोस्तों क्या कर दे, बढ़ा दे। तो जब आप क्या करोगे दोस्तों, यहाँ पे क्या करते हो, आपने किया था कि 100 पे 20% बढ़ा दिया 120 हो गए, यहाँ पे भी आप करोगे ना, 100 पे कितना बढ़ा दिया 12 से 1/2%, तो 100 प्लस 12 से 1/2% जोड़ोगे। इसी के बाद आप दो, अब दोस्तों क्या करोगे, यहाँ पे भी ऐसे ही करोगे कि 100 थे और 100 थे और इसने आपने क्या किया कि 100 पे 16 से 2/3% क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो ऐसे सॉल्व करने में दोस्तों क्या होगी, काफी दिक्कत आएगी। यही आप करोगे, कोई भी 100 थी और 100 पे दोस्तों आपने क्या किया कि 12 सही 1/2% दोस्तों क्या कर दिया, कम कर दिया। तो मैं यहाँ पे आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि ये जो कैलकुलेशन की दोस्तों क्या होगी दिक्कत, और मैंने आपसे बोला है कि एप्टीट्यूड है, आप कॉमन सेंस से बात कीजिए, ना कि इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत। तो मैं आपको यही राय दूंगा दोस्तों कि आप इस चीज को अभी ना यूज करते हुए मैंने इतनी देर से आपको जो चीज़ें सिखाई हैं, इतनी देर से मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, उनको क्या किया जाए, देखा जाए। और उनको कैसे देखा जाए दोस्तों, बात कर लेते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ आपसे कि 12 सही 1/2%, तो 12 सही 1/2% को आप सॉल्व करोगे तो 12 दूनी 24 25/2, तो 25/2 आप सॉल्व करना सीख गए ना दोस्तों कि 12 दूनी 24 कि 12 गुणी 2 + 1/2, और ये परसेंटेज बढ़ाने के लिए 1/100 से डिवाइड भाग करना पड़ता है। तो 12 दूनी 24 25/2 25 चौका 100, तो दोस्तों ये वैल्यू आ गई 1/8। और 1/8 का क्या मतलब हुआ दोस्तों कि 8 किसके रिप्लेस पे आया हुआ है दोस्तों, 100 के रिप्लेस पे, और 1 किसके रिप्लेस पे आया हुआ है दोस्तों, 12 से 1/2% के रिप्लेस पे। यदि 8 अपने आप में 100% है और इसी 100% का दोस्तों 1 है, वो कितना, 12 से 1/2% है। तो मैं आपसे दोस्तों ये बोल सकता हूँ कि पहले संख्या दोस्तों 8 थी, पहले संख्या कितनी थी, इनिशियल में संख्या दोस्तों 8 थी, आपने इस 8 संख्या को 12 सही 1/2% बढ़ा दिया। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल अपने आप में 100% और 100% पे आपने दोस्तों कितना बढ़ाया, 12 सही 1/2%, और 12 सही 1/2% का बढ़ाने का मतलब दोस्तों हुआ कि 8 पे आप कितना बढ़ा रहे हैं, 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले 8 था और अब दोस्तों 8 पे कितना बढ़ाया, 1। तो 8 पे 1 मतलब 8 + 1 मतलब 9 बढ़ गए। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे आपने घटाने की बात की है तो आप घटा लीजिए कि 8 आपने क्या किया कि अपने आप में 800% है और इसी 100% का जो 1 भाग है वो दोस्तों क्या है, 12 से 1/2%। और 12 से 1/2% की संख्या में दोस्तों क्या कर दिया, कम कर दिया। तो 8 पे कितने का कम हुआ दोस्तों, 1 का। तो पहले संख्या थी 8, अब दोस्तों 1 कम हो गई, 8 से 1 मतलब 7 हो गई, और ये जो संख्या एक्चुअली नहीं है दोस्तों रेशियो, तो 8 पहले संख्या थी 8 रेशियो की, अब कितनी होगी, 7 रेशियो की। मैं आपसे ये दोस्तों बोलने की बात कर रहा था कि तुरंत आपको क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे 5 रेशियो 6 है, 5 रेशियो 6 का मतलब दोस्तों क्या है कि इसे सॉल्व करें 20%, तो 20% को सॉल्व करोगे तो दोस्तों 1/2 कितना होगा, 5, क्योंकि 20 को मैंने ये बोला था कि परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, तो 1/5। 1/5 का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि 5 यदि अपने आप में, ये 5 क्यों कब आया दोस्तों, 100 के रिप्लेस पे और 1 20 के रिप्लेस पे आया, इसका मतलब ये हुआ कि 5 अपने आप में क्या 100% और इसी 100% का दोस्तों 1 जो है वो 1 क्या है, 20% है। तो जब आप दोस्तों 20% का इंक्रीमेंट कर रहे हो
ठीक है, 20% का इंक्रीमेंट करने का मतलब है कि 100 पे 20 बढ़ा रहे हो और अपने आप में 5 क्या 100%, और 5 पर जब 20% का इंक्रीमेंट करोगे, 20% का मतलब दोस्तों एक भाग है, तो 5 पे तुम दोस्तों कितने का इंक्रीमेंट कर रहे हो, 20% और 20% का मतलब एक का इंक्रीमेंट, तो 5 रेशियो का पे एक रेशियो की वैल्यू बढ़ेगी दोस्तों 6 रेशियो। पहले इनिशियल 5 था, जब आपने 20% बढ़ा दिया तो वैल्यू कितनी होगी दोस्तों 6 रेशियो। इसी प्रकार से आप इसे देख लीजिए, 16 से 2/3% को सॉल्व कर दिया, 16 थी 48 प्लस 2 50 और डिवाइडेड बाय दोस्तों 3, तो 16 थी 48 और 2 कितने होते हैं दोस्तों 50, तो ये हो गया दोस्तों 50/3 × 1/100, 5 × 10 तो दोस्तों 1/6 आ गई। तो 1/6 दोस्तों, 1/6 का क्या मतलब है, 1/6 का मतलब ये है कि जो 6 है वो दोस्तों 100 के रिप्लेस पाया हुआ है और यहाँ पे जो 1 है वो दोस्तों कितने के रिप्लेस पाया हुआ है, 16 से ही 2/3 के रिप्लेस पे। तो मैं आपसे ये बोलूं तो 6 अपने आप में 100% है, तो उसी 100% का दोस्तों 1 है वो कितना है, 16 से 2/3% है। जब दोस्तों 16 से 2/3% का क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि 6 पे कितने का इंक्रीमेंट होगा 1 का, तो दोस्तों पहले 6 रेशियो था, अब 1 का इंक्रीमेंट हो रहा था, अब कितना हो जाएगा 7 रेशियो। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाह रहा था, आपसे जल्दी से उतार लीजिए और आगे हम दोस्तों क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन पे बात करते हैं। ठीक है, जल्दी उतारिए। ठीक है, उतार लिया होगा। ठीक है, चलते हैं दोस्तों, आप साथ के साथ ही आप उतार लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं आपको एक और टूल दे दूं कि जब दोस्तों आप परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो दोस्तों पहले क्या है कि आपको सबसे पहले सॉल्व करते वक्त किसी भी क्वेश्चन को आप एक होता है दोस्तों एक्चुअल डाटा, वास्तविक मान, एक्चुअल डेटा, और दूसरा दोस्तों होता है रेशियो या प्रतिशत वैल्यू। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, जब परसेंटेज का क्वेश्चन है तो आप सबसे पहले उस परसेंटेज को ही क्या कर लीजिए, मान लीजिए, ले लीजिए, और एक्चुअल डेटा का मतलब दोस्तों होता है कि कोई वैल्यू है, कोई संख्या है, या कमाई है, कमाई 5000 है, और आगे चल करके दोस्तों जैसे कमाई 5000 है, 10000 है, आगे चल करके 5000 का 10000 हो जाए, 10000 का 5000 हो जाए, ये सारे दोस्तों क्या एक्चुअल डेटा है। तो आप एक्चुअल डेटा को पहले यूज ना करके पहले रेशियो या परसेंटेज को यूज कीजिए। चलो ठीक है, आगे हम बात करते हैं, मैं किस के लिए आपसे बार बार बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये उतारिए होगा, आगे चले दोस्तों, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपके जितने बार भी मैं कराऊंगा दोस्तों, बीपीएससी और जो अदर जो पब्लिक जो सर्विस कमीशन है, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, उनके सारे के सारे क्वेश्चन रहेंगे, और किसी भी एग्जामिनेशन का हो, मैं ये नहीं चाहता कि दरअसल किसी भी एग्जामिनेशन का कोई भी परसेंटेज का सवाल है, आप उस पर 100% क्या करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपके अंदर ऐसा डेवलप कर दूंगा। ठीक है, एप्टीट्यूड। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है, और मैंने दोस्तों एक पीडीएफ बना करके इस लेक्चर के नीचे डाल दिया, पीडीएफ को दोस्तों क्या कर सकते हो, वहां से डाउनलोड कर लेना, और उसके बाद हम क्वेश्चन को दोस्तों क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी संख्या में उसका 16 से ही 2/3% जोड़ा जाता है तो संख्या 490 बन जाती है, आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। इसने दोस्तों बोला कि यदि किसी संख्या में 16 से ही 2/3% जोड़ दिया जाए, तो पहले दोस्तों हम क्या करते थे कि सपोज करो कोई भी संख्या x थी, इसमें 16 से 2/3% जोड़ दिया और उसके बाद में संख्या कितनी हो जाए, 490 हो जाए, तो इसे हम सॉल्व कर लेते और x की वैल्यू निकालते थे। ये बहुत ही झंझट है, आगे वैल्यू को क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो मैंने तो यही बोला था आपसे, एक ही चीज सिखाई है परसेंटेज में, उसके अलावा मैं आपसे नहीं बोलूंगा कि आप ये चीज यूज करो या ये, कुछ नहीं, एक ही मैं बताऊंगा उस पर प्रारंभ में वही उसी पे बात करूंगा, और जो चैप्टर आपका खत्म होगा उस पे खत्म पे मैं उसी से बात करूंगा। तो मैंने दोस्तों आपसे बोला था कि आप सबसे पहले क्या करो, परसेंटेज पकड़ लो, और दोस्तों 16 से 2/3% आप पकड़ोगे तो 16 से 2/3% का क्या मतलब है दोस्तों कि 16 थी 48 और प्लस 2
बटे तीन, और 48/2 250 बटे तीन, और परसेंटेज है तो 1/100 से क्या, सॉरी 100 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो 50 बटे मतलब ये दोस्तों कितना आ गया 1/6। मैंने आपसे ये बोला था दोस्तों यहाँ पे कि ये 6 है, वो 6 किसके रिप्लेस आया हुआ है दोस्तों, 100 के रिप्लेस पे, और जो दोस्तों 1 है वो किसके रिप्लेस आया हुआ है 16 से 2/3% के। तो मैंने आपसे ये बोला था कि 6 अपने आप में दोस्तों क्या टोटल संख्या है, ये अपने आप में क्या टोटल है, टोटल का मतलब 100% है, और इसी दोस्तों 100% का जो 1 है वो 16 से ही 2/3% है। तो इसका मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में कितना जोड़ दिया 16 से 2/3%, तो टोटल संख्या में जोड़ा है 100% संख्या में जोड़ा होगा इसने, तो 100% संख्या का मतलब दोस्तों क्या हुआ 6। तो दोस्तों 6 में इसने कितना जोड़ा है, 6 में दोस्तों इसने कितना जोड़ा, 16 से 2/3% जोड़ा। 16 से 2/3% जोड़ने का मतलब दोस्तों एक भाग जोड़ा, क्यों, क्योंकि 6 अपने आप में 100% है, और एक दोस्त किसी 100% का जो एक है वो क्या 16 से 2/3% है। जब तुमने क्या किया 16 से 2/3% क्या की, संख्या बढ़ाई, तो दोस्तों 6 रेशियो की जगह कितनी कर दी 7 रेशियो। और क्वेश्चन में दोस्तों इसने क्या बोला है कि जब आप क्या करते हो 16 से 2/3% की संख्या में जोड़ देते हो तो वह संख्या कितनी हो जाती है 490। तो आपने दोस्तों क्या किया कि 7 रेशियो जो हुई है वो 7 रेशियो जो संख्या वो कितनी हो जाती है 490। तो दोस्तों 7 रेशियो की वैल्यू यहां पर कितनी है 490। तो दोस्तों 7 रेशियो की वैल्यू कितनी है 490, इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन किया होगा 49 का, ठीक है ना, सॉरी 70 का, 70 49, जब इसमें 70 का हुआ तो आपको इसमें भी 70 का गुणा करना पड़ेगा, तो 7 6 42 420। और ये 6 रेशियो दोस्तों क्या है प्रारंभिक संख्या, तो ये कितनी आगे वैल्यू दोस्तों 420। तो प्रारंभिक जो संख्या होगी जो x यहां पर निकली होगी दोस्तों कितनी आई होगी 420। मैं आपको दोबारा से बता दूं कि दोस्तों यहां पे क्या किया आपने कि 16 से 2/3% क्या किया जोड़ा, तो 1/6, तो इसमें आपने दोस्तों 6 में कितना जोड़ा 16 से 2/3% मतलब एक भाग जोड़ा, तो 6 रेशियो में दोस्तों कितना जोड़ दिया 7 रेशियो। आरंभिक संख्या 6 रेशियो थी, बाद में निकली होगी 7 रेशियो, और ये 7 रेशियो की वैल्यू दोस्तों क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 490। 7 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी है 490, तो 70 70 49। 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी 70, जब 1 रेशियो की वैल्यू 70 है और आरंभिक संख्या कितनी है 6 रेशियो की, तो 70 कितने 1 रेशियो की वैल्यू 6 सॉरी 1 रेशियो की 70 6 रेशियो की 420। ये दोस्तों क्या आपका आंसर, जल्दी से बता लीजिए क्या है इसमें, कुछ बताना था इसमें, कुछ नहीं था आपको सीधा सॉल्व करना था, ठीक है बता दिया ही होगा। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन में दोस्तों दे रखा है कि यदि किसी संख्या में उसका 14 से ही 2/7%, यदि किसी संख्या में उसका 14 से ही 2/7%, ठीक है, जोड़ दिया जाता है तो संख्या 800 हो जाती है, तो संख्या 800 के बराबर हो जाती है, आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों कोई भी संख्या है आपने उसमें 14 से 2/7% जोड़ दिया, और उसे जोड़ने के बाद जो संख्या होगी वो दोस्तों 800 हो जाती है। तो मैंने आपसे ये बोला था कि एक्चुअल डेटा को भूल जाओ कि क्या कह रहा है, बाद में यूज करेंगे, सबसे पहले क्या पकड़ लो आप दोस्तों परसेंटेज पकड़ो, सॉल्व करो 14 × 7 और प्लस दोस्तों 2 98। हमने बोला था कि इससे इसके गुणा करके 2 जोड़ देते हैं, 1/100, तो दोस्तों 14 × 7 98 और 200/7 × 100 कट गया, तो दोस्तों 1/7 आ गया इसने, और 1/7 का मतलब दोस्तों क्या है 7 क्या है, ये 100 के रिप्लेस पे आया होगा, और 1 दोस्तों 14 से 2/7% के रिप्लेस पे आया, तो 7 दोस्तों अपने आप में 100% है टोटल भाग है, तो इस 100 ये 7 के अपने आप में 100% है, और इसी 100% का दोस्तों एक जो भाग है वो क्या है 14 से ही 2/7%। जब आप दोस्तों बोल रहे हो कि किसी संख्या में, तो किसी संख्या दोस्तों प्रारंभिक संख्या ही होगी ना, और यहाँ पर दोस्तों प्रारंभिक संख्या कितनी है 7 रेशियो, प्रारंभिक संख्या कितनी है 7 रेशियो, 7 रेशियो में आप 14 से ही 2/7% मतलब 1% एक क्या भाग, एक क्या कर देते हो जोड़ देते हो, जब एक रेशियो आप जोड़ दोगे तो वैल्यू कितनी हो जाती है 7 से 8 रेशियो होगी, और यही दोस्तों 8 रेशियो की जो वैल्यू है, 8 रेशियो की जो दोस्तों क्वेश्चन वैल्यू दे रखी है वो कितनी है, 8 रेशियो की वैल्यू दोस्तों आपको दे रखी है 800। आप मेरे को बताइए कि जब 8 रेशियो की वैल्यू 800 है तो 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी होगी, 1 रेशियो की वैल्यू 100, यही है ना, जब 1 रेशियो की वैल्यू 100 मतलब इसमें कितने का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जब 1 रेशियो की वैल्यू 100 है तो 7 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई होगी 700, तो यही आपकी क्या होगी दोस्तों प्रारंभिक संख्या होगी,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे उतार लीजिए। और तीसरा क्वेश्चन मैं आपसे बताऊं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है यदि किसी संख्या में उसका, यदि किसी संख्या में, दूसरा क्वेश्चन था दोस्तों ये, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में उसका 33.1% दोस्तों क्या कर दिया जाता, घटा दिया जाता, यदि किसी संख्या में उसका 33.1% घटा दिया जाता है तो उस संख्या 200 के बराबर होती है। दोस्तों फिर संख्या किसके बराबर हो जाती है, 200 के बराबर हो जाती है। तो आरंभिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपसे कुछ क्या बोला था, एक्चुअल डेटा को बाद में यूज करो पहले परसेंटेज। तो 33.1% को दोस्तों आप सॉल्व करोगे तो 3 दिया मतलब ये कितना हो गया 33 × 3 + 1/100 और ये हो गया 99.100, ठीक है, बटे 3। तो दोस्तों ये परसेंटेज को हटाने के लिए 1/100 से डिवाइड, तो दोस्तों क्या हो गया 100 × ये 100/100 से 100 कैंसिल हो गया तो ये 1/3 आ गया। तो मैंने दोस्तों आपसे बोला था कि 3 जो है वो किसके रिप्लेस आया हुआ है, 100 के रिप्लेस पे, तो ये अपने आप में 100% है। और जो 1 जो रिप्लेस, जो 1 जो आया है वो दोस्तों 33.1% के रिप्लेस पे आया है। तो यहां पे जो 1 है वो दोस्तों कितना है, 33.1% है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि पहले संख्या थी, आरंभिक संख्या थी 3 रेशियो की, आपने 33.1% दोस्तों क्या कर दिया, कम कर दिया। कम का मतलब क्या हुआ, 1 भाग कम कर दिया। तो 3 रेशियो थी, 3 रेशियो में क्या कर दिया, 1 कम किया। तो 3 रेशियो में 1 कम करोगे 2 रेशियो रह गया। और ये 2 रेशियो दोस्तों जो वैल्यू है वो 2 रेशियो की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में आपसे 2 रेशियो की वैल्यू दे रखी है दोस्तों। तो दोस्तों यहां से 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई, तो जब 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों ये 200 के, जब 1 रेशियो की वैल्यू दोस्तों 100 है तो 3 रेशियो की वैल्यू दोस्तों कितनी आ गई, 300। और ये जो 300 है यही तो आरंभिक संख्या है, यही तो आपको ज्ञात करना है। जल्दी से बता लीजिए, कुछ नहीं है दोस्तों परसेंटेज में, आपको व्यवहारिक चीजें जो मैंने जो बतानी थी वो मैंने बता दी, अब कुछ नहीं है इसमें। 2-4 केसे हैं, उन केसों में बात करूंगा मैं और उसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। इसे जल्दी से दोनों क्वेश्चनों को उतार लीजिए और आगे हम बात करते हैं, ठीक है, जल्दी से उतारो। चौथा प्रश्न, यदि किसी संख्या में 500 जोड़ दिया जाता है, ठीक है दोस्तों, कोई संख्या है उसमें दोस्तों आपने क्या किया 500 जोड़ दिया जाता है, यदि किसी संख्या में 500 जोड़ दिया जाता है तो वह अपने आप की, तो वह अपने आप की 116 / 2/3% हो जाती है, अपने आप की 16 से 2/3% हो जाती है तो आरंभिक संख्या क्या करो, तो आरंभिक संख्या कितनी होगी, तो आरंभिक संख्या कितनी होगी। तो दोस्तों आरंभिक संख्या की बात कर रहा है तो हम इसमें क्या करते हैं दोस्तों कि सबसे पहले मैंने आपसे बोला था कि इस बड़ी संख्या से परसेंटेज को उठाइए, तो 116 / 2/3%। तो दोस्तों 116 / 2/3% की अगर मैं बात करूं तो कोई भी संख्या 116 / 2/3%, इसका मतलब 100% से ऊपर कोई भी संख्या नहीं हो सकती है। ये जब ही संभव होगा, जैसे कि मैं बोलूं दोस्तों आपसे कि आपकी एक जॉब है, आप कोई, आप ठीक है किसी भी प्रोफेशन में जॉब करते हैं और आपकी सैलरी 80,000 रुपये है और अगले महीने में आपसे दोस्तों बोल दूँ वो 80,000 रुपये है, वो दोस्तों अपने आप में कितनी 100% है। और अगले महीने में दोस्तों आपसे बोलूँ कि आपकी 80,000 रुपये की जो जॉब है वो दोस्तों मैं उस पर 20,000 रुपये और बढ़ा देता हूँ, तो 20,000 रुपये और बढ़ाने का मतलब दोस्तों क्या था कि 100% आपकी सैलरी थी उस पर 20,000 रुपये बढ़ा दिए, मतलब 100% से ओवर हो गई। या फिर 100% से कम की बात होगी तो क्या होगा, आपकी 80,000 रुपये सैलरी थी और मैंने आपसे बोल दिया कि आपकी सैलरी 80,000 रुपये ना होकर मैं आपकी सैलरी से 10,000 रुपये काट लूंगा, इससे क्या मतलब हुआ कि 100% से वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो दोस्तों मैं यही आपसे बात करना चाहता हूं कि इसमें 500 जोड़ दिया कोई भी संख्या, मतलब मैंने आपसे बोला था कोई भी संख्या अपने आप में क्या होगी, पूर्ण होगी, 100% होगी। जैसे कि मैं बात करूं 116 / 2/3%, इसे सॉल्व दोस्तों करते हैं, तो मैंने आपसे पहले से बोला था एक इसको क्या करेंगे आप, इसे सॉल्व करना है, इसको क्या करोगे 1+, तो 16 / 2/3% को सॉल्व करना है आपको, तो 16 / 2/3% को सॉल्व करने के लिए 16 × 3 + 2/3,
और दोस्तों परसेंटेज में तो इसे हटाने के लिए 100 से आप भाग दे दो, तो दोस्तों 16 थी 48 कर दो 50, और 50 बटे 100 मतलब 1/2, और 3 से गुणा कर दो 1/6, कितना आ गया दोस्तों 1/6, तो ये 1/6, तो 6 × 6 = 7/6, कितना हो गया दोस्तों 7/6। 7/6 का क्या मतलब है दोस्तों कि आरंभिक जो संख्या थी, आरंभिक जो संख्या थी पहले दोस्तों कितनी थी, आरंभिक संख्या कितनी थी 6, क्योंकि नीचे जो भाग होता है वो टोटल होती है ना, और ये 6 में से कितने नंबर गए तो आपके 7, तो ये तो संभव नहीं है 6 में से आपको 7 नंबर मिल जाए, तो वही मैं आपको उसे कहना चाहता हूं कि 7 जब मिले होंगे, जब आपकी पूर्ण सैलरी आपकी 100% सैलरी में क्या कर दिया हो, बढ़ा दी हो सैलरी, तभी संभव होगा। तो ये जो संख्या 6 से 7 कब हुई होगी, जब उस पर आपने क्या किया होगा, 1:1 क्या कर दिया होगा, बढ़ा दिया होगा। तो दोस्तों आरंभिक संख्या में 6:1 होती, बाद में दोस्तों कितनी होगी 7:1, तो दोस्तों 6:1 से 7:1 में क्या हुआ, 1:1 का क्या हुआ दोस्तों, 1:1 का इंक्रीमेंट, एक रेशियो का दोस्तों क्या हुआ होगा, इंक्रीमेंट हुआ होगा ना, 1:1 का इंक्रीमेंट, और यही दोस्तों 1:1 का इंक्रीमेंट है वही क्वेश्चन में कितना है 500, ठीक है, यहां बोला गया था। तो एक्स क्या थे अपने 100%, इसका मतलब दोस्तों यही हुआ ना कि इसमें कितना जोड़ा था इंक्रीमेंट 1, तो यहां पर दोस्तों 6:1 से कितना होगा 7:1, तो 1:1 का जो इंक्रीमेंट है वो कितने के बराबर है दोस्तों क्वेश्चन में 500 के, तो यहां पर दोस्तों 1:1 की जो वैल्यू है कितने के बराबर है 500 के, और आरंभिक जो संख्या दोस्तों कितनी है 6:1, 1:1 की वैल्यू कितनी है 500, तो दोस्तों 6:1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6×500 = 3000, तो ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया कितना 3000, ठीक है, जल्दी से सॉल्व कर ले, उतार लीजिए, और ये दोस्तों यूपीएससी 2019 का क्वेश्चन सेट निकाल लीजिए, और मैंने इसकी पीडीएफ अपने अपने टेलीग्राम चैनल पे भेज ही दिया, ठीक है, इसमें से आप सॉल्व कर लीजिए, हम क्या करते हैं 2019 का ही निकाल लीजिए, ठीक है, और 2019 के कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, 2019 का दोस्तों 8वां क्वेश्चन निकाल लिया, वैसे मिटा देता हूँ, ठीक है दोस्तों, आप 2019 का 8वां क्वेश्चन पेपर, 2019 का 8वां क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों बोल रहा है कि जब एक धावका जिसके पास है वो देख ले, और नहीं है तो मैं बोल देता हूं, जब एक धावका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा पूरा किया, केवल कितना किया 80% हिस्सा पूरा किया है, इस प्रदा में इस धावका को कितने किलोमीटर दौड़ना था, पहला ऑप्शन दोस्तों 14, दूसरा ऑप्शन 15, तीसरा ऑप्शन 16, और चौथा ऑप्शन है दोस्तों 16.5, ठीक है 16.5, तो इसमें दोस्तों क्या है कि जब एक धावका किसी दौड़ में, एक धावका थी दोस्तों, ठीक है एक धावका थी, ये दौड़ रही है, ठीक है सपोज करो से यहां पे दौड़ना था, परंतु हुआ क्या कि यहां पे एक चिन्ह आया, और वो चिन्ह दोस्तों आया 12 किलोमीटर के बाद, 12 किलोमीटर, तो ये दोस्तों 12 किलोमीटर दौड़ी और एक चिन्ह आया, और इसको पता चला कि ये दोस्तों अपनी दौड़ का 80% हिस्सा क्या कर चुकी है, पार कर चुकी है, 80% हिस्सा पार कर चुकी है, तो दोस्तों इसका क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो 80% की जो वैल्यू है दोस्तों कितनी है 12 किलोमीटर। मैंने आपसे क्या बोला था कि आप उसको कुछ नहीं करना, 80% क्या 20% क्या, आप सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो 80% को दोस्तों सॉल्व करोगे तो 80% बटाने के लिए 100 से भाग करते हो, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 4 2 से काट दो, 2×6 = 8 और 2×5 = 10 = 12 किलोमीटर, तो दोस्तों 4 से काट दोगे 4×12 बराबर में संख्या कट जाती है, रेशियो में आपको सिखाऊंगा, 4×12 तो दोस्तों 4×12 और 5×15, तो जो 1 है दोस्तों कितना है 15 किलोमीटर, और मैंने आपसे दोस्तों ये बात की थी कि जो एक जो भाग है, एक अपने आप में क्या होता है दोस्तों 100% होता है, क्योंकि 100% दोस्तों जब आप परसेंटेज को हटाओगे तो दोस्तों आप क्या करोगे, इसे 100 से भाग दो तो 100 से 100 कैंसिल आउट मतलब 1, तो ये जो दोस्तों 1 है वो अपने आप में पूर्ण भाग है, तो दोस्तों ये पूरा का पूरा इस धावका को कितना किलोमीटर दौड़ना था, इसे बोला गया था धावका को कितने किलोमीटर दौड़ना था, तो दोस्तों कितना दौड़ना था 15 किलोमीटर दौड़ना था, ये 2019 का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन पेपर है यूपीएससी का, और क्वेश्चन नंबर 8, इसमें मेरे को ये बताइए कि इसमें क्या दिक्कत थी, मैंने आपसे इसमें कुछ ज्यादा मैथ लगाया नहीं, ठीक है आगे और सॉल्व करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से उतार लीजिए
दूसरा क्वेश्चन देता हूं। दूसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इससे अगला ही क्वेश्चन है, ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है, इससे अगला ही क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? नवा क्वेश्चन, हमने आठवां क्वेश्चन बता ही दिया, नवा क्वेश्चन। नवा क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि राजू के पास 9000 रुपए है और वह मोबाइल हैंडसेट जो कान में लगाने वाला होता है वो खरीदना चाहता है, लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का केवल 75% है। आवश्यक राशि का कितना है? 75%। तो दोस्तों इसके पास कितने हैं? 9000 रुपए। कितने हैं दोस्तों इसके पास? 9000 रुपए। और ये जो 9000 रुपए जो है वो क्या है? आवश्यक राशि है, और उस आवश्यक राशि का क्वेश्चन में कितना दे रखा है दोस्तों? 75% है। तो 9000 की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 75%, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेकिन उसको पता चलता है कि उसके पास हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का केवल 75% है, इसलिए वह एक मित्र से 2000 रुपए क्या दोस्तों कर लेता, उधार ले लेता, ठीक है। इसने क्या किया, मित्र से दोस्तों कितना उधार लिया? मित्र से 2000 रुपए बोरो किए, उधार लिया, यही है। तो वो बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए, राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। ऑप्शन नंबर दो, राजू के पास ठीक उतनी ही राशि है जितनी हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर तीन, राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास रुपया 500 होंगे। ऑप्शन नंबर चार, राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद उसके पास रुपया 1000 रुपए होंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहां पे राजू के पास दोस्तों 9000 रुपए थे और वो 9000 रुपए वो जो हैंडसेट खरीदने वाली जो हैंडसेट खरीद रहा है उसका कितना है? 75% है। 75% ही तो कम है, सॉरी 75%। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ ना कि 9000 उसके पर्याप्त राशि उसके पास कितनी? 9000। और 9000 का मतलब दोस्तों 75%। तो 9000 की वैल्यू कितनी है? 75%। मैंने आपसे बोला था कि आप परसेंटेज को सबसे पहले क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। परसेंटेज को सबसे पहले दोस्तों क्या कीजिए? सॉल्व कीजिए। तो इसे सॉल्व करोगे तो 75 बटे क्या करोगे दोस्तों? तो 25 से काट लो, 25 किया 75 और 25 चौका 100, 3/4। तो 9000 = 3/4। आप क्या करो, 3 से सीधा इसे काट दीजिए, कितने बार कट गया? 3 दिया 9, तो 3000। 4 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 1 की वैल्यू कितनी दोस्तों आ गई? 12000 रुपए। मैंने आपसे पहले बताया था कि ये जो 1 है दोस्तों ये अपने आप में क्या है? 100% है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि दोस्तों हैंड जो सेट था दोस्तों, हैंड सेट का कुल प्राइस दोस्तों कितना था? 12000 रुपए। कितना था? 12000 रुपए। और राजू के पास कितने? 9000 रुपए। और 9000 के बाद इसने दोस्त से अपने से कितने ले लिए? 2000 रुपए और एक्स्ट्रा ले लिए। तो दोस्तों 9000 थे, 2000 और एक्स्ट्रा ले लिए, कितना हो गया? 11000 रुपए हो गए। परंतु टोटल मूल्य कितना है हैंडसेट का दोस्तों? 12000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी भी उसे 1000 रुपए की आवश्यकता है। तो अभी ही उसको कितनी और आवश्यकता है? 1000 रुपए की। तो क्वेश्चन में इसने बोल रखा है पहला ही ऑप्शन कि राजू के पास कोई भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो गया? पहला, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्योंकि इसमें कुछ ऐसा मैथमेटिक्स नहीं है जिससे मैं दोस्तों आपको बताऊं कि इसमें ये मैथमेटिक्स लगेगा। सीधे से क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसे ही आपको धीमे धीमे करके क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूंगा और आप इसे दोस्तों क्या करोगे? सॉल्व करते रहिए, ठीक है। मिटा देता हूं इसे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।